हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ रोहित। आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ एक न्यू सीरीज़, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस फॉर योर अपकमिंग JKSSB फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, अकाउंट असिस्टेंट, या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सो करंट अफेयर्स हम कवर करने वाले हैं। जनवरी से हम इसकी शुरुआत करेंगे एंड दिसंबर तक के हम करंट अफेयर्स करेंगे। तो हर मंथ का एक वीडियो आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या 100 से जहां मुझे लगेगा ज़्यादा है करवाने हैं उतने आपके करवाए जाएंगे, बट मिनिमम हर मंथ के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके करवाए जाएंगे। शुरुआत में ही एक चीज़ क्लियर कर दूं, आप लोग इस सीरीज़ को देखो, आप लोगों के सपोर्ट के बिना इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं गधों की तरह मेहनत करते हुए लगा रहूं एंड आप लोग सपोर्ट ना करें। सो इट्स ऑल अबाउट यूर लाइक इट्स डिपेंड अपॉन यू कि हाउ यू रिस्पॉन्स। एंड सीरीज शुरुआत करने से पहले ही मैं एक टारगेट सेट कर रहा हूँ आज के इस वीडियो का, 500 लाइक्स का। तो 500 लाइक्स अगर मुझे इस वीडियो में मिलेंगे, अब ये मत कहना कि सर आप लाइक्स के लिए क्यों बना रहे हो वीडियो। देखो, आप लोग जब सपोर्ट करोगे, क्योंकि आप लोगों का अगर सपोर्ट नहीं होगा तो फिर वो मुझे जो बनाने के लिए जो मुझे जो एनर्जी और मोटिवेशन चाहिए वो मेरे पास नहीं रहेगा। ओके, नाउ इट्स अप टू यू। अगर आपको ये पसंद आए, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, एग्ज़ाम में ये मत समझ के जाना कि क्वेश्चंस आपको इजी लेवल के मिलेंगे। देखो, एग्जामिनर आजकल क्वेश्चंस काफ़ी घुमा फिरा के पूछते हैं, पर्टिकुलरली अगर मैं JKSSB एग्जाम्स की बात करूँ, आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो हमने आपको नहीं कवर करवाया हुआ। कंडीशन इज दिस कि जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, डेली करंट अफेयर्स पढ़े होंगे, तो ईजिली वो आराम से आंसर कर पाएगा। इट्स नॉट अबाउट JKSSB ओनली, सभी एग्जाम्स के लिए आपको सारे करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बट कंडीशन वही है जो डेली पढ़ता है करंट अफेयर्स का। अक्सर मैं आपको हमेशा कहता हूँ करंट अफेयर्स आपने डेली पढ़ने अगर आप चाहते हो कि आप 100% स्कोर कर पाए। नाउ ये सब हो गई बातें, टारगेट आपको मैंने बता दिया, 500 लाइक्स हिट कीजिए लाइक पे, एंड ताकि मुझे भी एनर्जी मिले, क्योंकि आप लोगों की मेरी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रिस्पॉन्स। तो शुरुआत करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में करेंगे, सिस्टमैटिक करेंगे। सबसे पहले जनवरी की मैं शुरुआत कर रहा हूँ, तो जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डेज की हम बात कर लेंगे। ओके, सबसे पहले ही शुरुआत करें तो DRDO डे सेलिब्रेट किया जाता है, 63rd फाउंडेशन डे हमने सेलिब्रेट किया है। अब जनवरी आने भी वाला है, 2022 का भी आने वाला है, तो फिर 64 हो जाएगा। ओके, एस्टैब्लिशमेंट ईयर आपको याद रखना है एंड चेयरमैन जी सतीश रेड्डी, वो आपको याद रखना है। उसके बाद ब्राइल डे, ब्राइल टेक्नोलॉजी आप लोग जानते हो, 4 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। ब्राइल टेक्नोलॉजी क्या है, जिससे लाइक जो भी बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो देख नहीं सकते, वो फील करके वो पढ़ सकते हो। आप लोग जानते हो एक बुक भी, एग्ज़ाम वॉरियर जनरली, तो वो जनरल बुक थी फॉर स्टूडेंट्स, उसके बाद उसका ब्राइल वर्जन भी रिलीज़ किया गया था। टॉक बैक एक ब्राइल कीबोर्ड भी लॉन्च किया गया था गूगल द्वारा, सो डेट की कीबोर्ड का नाम है ब्राइल कीबोर्ड, तो उसका टॉक बैक उसका नाम है, वो आप याद रखें, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। उसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस, ये आप याद रखें, प्रवासी भारतीय दिवस, हमारे गांधी जी, बापू जी वापस आए थे लाइक साउथ अफ्रीका से। आप कमेंट करके बताइए कि कौन से ईयर में आए थे, क्योंकि आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो फॉर श्योर सभी एग्जाम्स के लिए, जहां इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। आप मुझे बताइए गांधी जी साउथ अफ्रीका से कौन सी डेट को वापस आए थे, डेट तो आपको बता दिया, ईयर बताइए कमेंट करके। उसके बाद वर्ल्ड हिंदी डे, ये आपने याद रखना है, नेशनल हिंदी डे हम 14th सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो तो यहाँ पर इंक्लूड किया गया। नेशनल यूथ डे आप याद रखें, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का इस दिन जन्मदिवस होता है। आर्म फोर्स द्वारा वेटेरियन डे ऑब्जर्व किया जाता है एंड 15 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है हमारा इंडियन आर्मी डे। ओके, ये आप याद रखें। देखो, जनवरी को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, आपको इसी पार्ट में दोनों पूरा जनवरी मिलेगा। अब एक चीज़ और आपको ज़रूर याद आ रही होगी, एक और इम्पॉर्टेंट डे अगर आपने प्रिपेयर किया है जनवरी के करंट अफेयर, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे इस बार सेलिब्रेट किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम, आप तब तक कमेंट करके मुझे बता दीजिए मैं किस डेट की बात कर रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गए जी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फर्स्ट ऑफ हाफ के। इस पार्ट को मैंने जनरली दो में डिवाइड किया, बट आज के दिन आपके दोनों पार्ट्स कवर होंगे, डोंट नीड टू वरी। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, इंडिया का फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क कहाँ पर ओपन किया गया, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड की, आपने बताना है। देखो, एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर एग्जाम में कहीं भी आपसे किसी पार्क के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, गार्डन के रिलेटेड पूछ ले, हाँ अगर आता होगा तो डेट्स गुड, अगर नहीं आता होगा तो कहीं अगर पार्क के रिलेटेड पूछ लिया तो आगे बंद करके उत्तराखंड मार्क करके आना, 95% चांसेस रहेंगे कि आपके इंडिया का सबसे बड़ा एरोमेटिक गार्डन वो उत्तराखंड में ओपन हुआ है, वो आप याद रखें। एंड काफ़ी चीज़ें जो रिलेटेड टू पार्क्स एंड गार्डन्स उत्तराखंड के रिलेटेड रहती हैं, तो इसका भी करेक्ट आंसर उत्तराखंड ही, एंड उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलरली पूछा तो नैनीताल, याद रखें। उसके बाद देखो, उत्तराखंड के करंट अफेयर्स मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, सारे करंट अफेयर जनरली आपको मिल जाएंगे इसमें।
आसन कंजर्वेशन रिजर्व बिकम द फर्स्ट रामसर साइट उत्तराखंड की, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखें। कमेंट करके मुझे बताएं कि राइट नाउ रामसर साइट्स कितनी। चलो मैं ही बता देता हूँ, पहले 42 थी, देन उसके बाद चार और बड़ी, हरियाणा की दो, गुजरात की दो, देन उसके बाद दो और बड़ी, अभी राइट नाउ टोटल हैं 48। ओके, सर्च कर लीजिए अब कौन कौन सी 48 बड़ी हैं, कुछ मेहनत आपने भी करनी है। पिरुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये उत्तराखंड का है, मिशन हौसला ये कोविड-19 के दौरान उत्तराखंड द्वारा, सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था। नाउ मैं उत्तराखंड को सारा कवर नहीं करूंगा, पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अब पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पहले वीडियो देख लो सारा, एंड तक वीडियो देखो, फिर उनको जो वीडियो ध्यान से देखेगा एंड तक देखेगा उसको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। देखो पीडीएफ के तांडव में मत रहा करो कि हाँ पीडीएफ चाहिए, हो जाएगा पीडीएफ से कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप सारी चीज़ों को आराम से समझोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं। ओके, तो इसलिए पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, पहले वीडियो तो देख लो। उसके बाद आ जाइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू विस्टाडोम टूरिस्ट कोच ऑफ इंडियन रेलवे इसे मैन्युफैक्चर। विस्टाडोम क्या होता है, बेसिकली उस तरीके का कोच ऊपर से भी ओपन रहेगा, यानी कि आप उसके ग्लास से भी देख सकते हो, बाहर की सीनरी को एंजॉय कर सकते हो। तो किसके द्वारा बनाई गई है ये आपसे पूछ रहा है, तो ये बनाई गई है इंटरगल कोच फैक्ट्री जो आपको मिलेगी चेन्नई की, याद रखें इंपॉर्टेंट है। रेलवे मिनिस्टर आप लोग जानते हो अश्विनी वैष्णव। उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, इनके द्वारा एक लॉन्च किया गया था एक पोर्टल जो कनेक्ट करेगा जितने भी हमारे डायस्पोरा जो भी हमारे प्रवासी भारतीय जो हैं जो बाहर सेटल हुए हैं उनको कनेक्ट करने के लिए एक पोर्टल स्टार्ट किया गया था। सो इस पोर्टल का नाम है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता, ग्लोबल प्रवासी रिश्ता, डेट्स ऑल। ओके, एंड गांधी जी की डेट आपकी आ गई है जी, ये आपको पता होना चाहिए, होप आपने आंसर भी किया होगा। तो यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन विच कंट्री ऑन द कॉरपोरेशन ऑफ पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस। तो आउटर स्पेस के यूज़ करने का एक MOU साइन हुआ, कंट्रीज हम यूज़ कर सकते हैं एक दूसरे का आउटर स्पेस, तो आपको बताना है कि कौन सी कंट्री के साथ हुआ। तो ये हुआ जी हमारा भूटान। अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जैसे हमारा भारत रत्न है, तो वो हमारे पीएम मोदी जी को दिया गया, अभी दिसंबर मंथ की बात कर रहा हूँ, ये तो जनवरी के करा रहा हूँ, दिसंबर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, याद रखें। ओके, ये करेंसी वगैरह डिटेल्स आपको पता है। माग देंचो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये भी भूटान में है, ये याद रखें। आगे बढ़ते हैं फिर, बिजनेस विद मंथली टर्नओवर ऑफ हाउ मच अमाउंट हैव टू मैंडेटरी पे एटलीस्ट 1% ऑफ देयर GST लायबिलिटी इन कैश। तो यानी कि आपका टर्नओवर महीने का 50 लाख तक है तो फिर आपको 1% एटलीस्ट कैश में टैक्स पे करना ही करना, इनपुट आप सारा का सारा यूज़ नहीं कर सकते। ओके, 50 लाख याद रखें। विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस अ कैंपेन एक जिला एक शिल्प, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था कि हर स्टेट का कोई ना कोई प्रोडक्ट जिसे हम लाइक प्रमोट कर सकें। ओके, तो ये स्टार्ट किया गया था इनिशिएटिव MP द्वारा, मध्य प्रदेश द्वारा। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर सारे आ गए, अब मैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर यहाँ पे सारे नहीं कराऊंगा, ये PDF में आपको मिल जाएंगे, आप देखते रहिए, यहाँ पे एक बार गो थ्रू आप ज़रूर करें, सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, सारे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश के एक ही जगह आपको मिल जाएंगे, सारे करंट अफेयर्स। रघुविंदर सिंह चौहान, इनको चीफ जस्टिस किस स्टेट का अपॉइंट किया गया था ये आपने बताना है। रघुविंदर सिंह चौहान, दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू, आप कमेंट करके आंसर्स भी बता सकते हो, ये जनवरी के करंट अफेयर्स हैं, उत्तराखंड इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, कुछ जो चेंजिंग वेजिंग हुई थी तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप स्क्रीन शॉट से एक बार गो थ्रू करें या PDF मिल जाएगा आपको। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एक्सपोर्ट ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड फिथ डिफेंस मिसाइल सिस्टम, अब इसे एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। नेम ऑफ दिस मिसाइल सिस्टम इज आकाश। अजय कुमार हमारे डिफेंस सेक्रेटरी, डिफेंस मिनिस्टर आप लोग जानते हो। आकाश की जो रेंज है वो है 25 किलोमीटर। विच स्टेट हैज अनाउंस्ड इट्स न्यू सोलर पॉलिसी फॉर 5 ईयर्स, तो ने 5 साल तक अपनी न्यू सोलर पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, किस स्टेट ने, ये आपने बताना है, स्टेट इज गुजरात। ओके, अगेन हो गया रिपीट। Who has been conferred with the prestigious Eminent Engineer of the Year Award 2020 by the Institution of Engineering and Technology? ये आपने बताना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो करेक्ट आंसर इज VK यादव, वाइस चेयरमैन ऑफ इंडियन रेलवे। अभी मुझे बताइए कौन है, ये आप कमेंट करके मुझे बताइए। सुमित चेयरमैन, चलो मैंने आपको बता ही दिया। रिसेंटली डॉक्टर हर्षवर्धन, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर ऑफ इंडिया इन विच स्टेट और UT, ये आपने बताना है। सो इसे इनॉग्रेट किया गया था लद्दाख की लाइक डिस्ट्रिक्ट है जो है लेह, लद्दाख के दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक लेह है एक कारगिल है, इसे लेह में इनॉग्रेट किया गया था। ओके, लद्दाख के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आ गए आपके सामने, सारे करंट अफेयर्स हैं।
ओके, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, तो ये आपने बताना है. सो ये हैं जी सुनील शर्मा, बेसिकली वो चेयरमैन की मैं बात कर रहा था. सो ये चेयरमैन एंड रेलवे बोर्ड के जो बने हैं वो बने हैं सुमित शर्मा, ये याद रखें. सोमा मंडल हैज टेकन एज द लाइक किस ऑर्गेनाइजेशन का इन्होंने इनको हेड बनाया गया, एंड अभी रिसेंटली गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट अवार्ड भी इन्हें ही दिया गया इसी ऑर्गेनाइजेशन को, लगातार तीसरी बार इस ऑर्गेनाइजेशन ने जीता है. तो आई होप आप इजिली मार्क कर चुके होंगे आंसर, एग्जैक्टली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. द फर्स्ट एवर स्पेशलाइज जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इसे कहाँ पे मतलब स्टार्ट हुआ है ये आपने बताना है, कौन सी जगह, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. एग्जैक्टली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मेघालय. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव ए कैश अवार्ड ऑफ 2.5 लाख रुपीज टू ए नॉर्मल पर्सन फॉर मैरिंग ए पर्सन विद डिसेबिलिटी. उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर. आई होप आप मार्क कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, एंड उड़ीसा के इंपॉर्टेंट ये आगे जी करंट अफेयर्स भी आगे उड़ीसा के, ये आप देख लीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट नीड टू वरी. पहले क्वेश्चंस जनवरी के कवर कर लो, इसके बाद जनवरी के करंट अफेयर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी. फ्लाई बिग इज द न्यूएस्ट एयरलाइन ऑफ जो द फॉलोइंग कंट्री, तो ये हमारी अपने इंडिया की ही है. विच स्पेस एजेंसी हैज अप्रूव्ड न्यू टू हेलियोफिजिक्स मिशन टू एक्सप्लोर द सन, तो एक्सप्लोर करना है सन की जानकारी के लिए दो मिशन स्टार्ट किए गए, किस ऑर्गेनाइजेशन की स्पेस एजेंसी ने, ये आपने बताना है. सो दिस इज नासा, याद रखें. एंड डिटेल पूरी आपको यहाँ पे अबाउट द जो मिशन है वो भी पूरी दी गई है. ओके, ई यू वी एस टी और ई जेड आई इन फुल फॉर्म्स भी आपके सामने है, याद रखें. Who has sworn in as a new Chief Justice of Common High Court of Union Territory Jammu and Kashmir and Ladakh? तो ये आप लोग जानते हो, पंकज मेहता. Who has been elected as the President of All India Chess Federation? ये आपने बताना है. Exactly, Sanjay Kapoor is the correct answer. The second edition of Khelo India Winter Games, इसे ये start हो चुके हैं, basically अब तो खत्म भी हो चुके हैं. आपने बताना है कि कहाँ पे inaugurate हुए थे, ये आपने बताना है. So correct answer for this question is Gulmarg. And Jammu and Kashmir नहीं जीते हैं, ये आप याद रखें, लगातार जम्मू एंड कश्मीर ने दो बार ही जीते हैं. Which state has launch pad scheme to make youth self-reliant? तो ये योजना, अगर आपने मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स अभी मैंने आपको जंगली जो सारे बताए थे तो उसमें ये कवर ही हो जाएंगे आपके, ये आप ध्यान रखें एक बारी. Who has become the first head of the newly created Human Rights Cell of Indian Army? Very important question. एक न्यू सेल बनाया गया ह्यूमन राइट्स सेल्स ऑफ इंडियन आर्मी, इसके न्यू हेड कौन बनाए गए ये आपने बताना है. तो इसके जो न्यू हेड बने हैं मेजर जनरल गौतम चौहान. द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग 600 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, इसे स्टार्ट किया जाएगा, कहाँ पे ये बनेगा ये आपने बताना है, कौन से डैम पे बनेगा. तो ये बनेगा ओमकारेश्वर डैम मध्य प्रदेश में, 600 मेगावाट. Who is the head of the recently constituted high level group named South Asian Group of Energy? एक new group बनाया गया, तो इसके head कौन है ये आपने बताना है. So name of this group is, head of this group is Ram Vinay Shahi. जो the following state has launched a M Pension App. M Pension App start किया गया किसी state द्वारा, आपको बताना है state का नाम. तो name of this state is Manipur. ओके, विच बैंक हैज साइंड एग्रीमेंट ऑफ $500 million टू इम्प्रूव इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन कोलकाता वेस्ट बंगाल. तो ये किसने समझौता किया, कौन सा बैंक देगा ये इतना लोन, तो ये देगा कोलकाता को वर्ल्ड बैंक. विच हैज बिकम द फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टू ऑपरेट एज ए स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये आपने बताना है, इंपॉर्टेंट है जी ये. शिवालिक मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक ये फर्स्ट बैंक बना है टू ऑपरेट एज ए लाइक स्मॉल फाइनेंस बैंक, याद रखें, इंपॉर्टेंट है ये. द यूनियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू फॉर्म ए कमेटी अंडर हुज चेयरमैनशिप फॉर प्रोटेक्टिंग लैंग्वेज कल्चर एंड लैंड ऑफ लद्दाख, तो इसे जो हेड कर रहे हैं वो कर रहे हैं इस कमेटी को हेड जी किशन रेड्डी. हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल मैच ऑफिशियल, फर्स्ट फीमेल मैच ऑफिशियल इन मेंस टेस्ट मैच, फोर्थ एम्पायर इन्होंने ये बनी थी, एंड इन द थर्ड टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो इनका नाम है क्लेयर पोलोसैक. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक राइट अंडर योर नोज, आर गिरिधरन इज द करेक्ट आंसर.
We state has recently announced to provide green tags to the government office and public sector undertaking. So 26 जनवरी को ये किया गया था केरल सरकार द्वारा. चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल, इसे कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है ये आपने बताना है. सो दिस इज मणिपुर. इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल आएगा तो वो फिर मेघालय, वो शिलोंग में होगा. ओके, दिस इज चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल, तो ध्यान रखें यहाँ. विच स्टेट और यूटी हैज लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड सतर्क नागरिक. तो किस यूटी और स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया, इसे लॉन्च किया गया जम्मू एंड कश्मीर सरकार द्वारा, ये आप याद रखें. Which is the focus country of the 51st International Film Festival of India? तो focus country कौन सा रहा था ये आपने बताना है. Focus country रहा था हमारा पड़ोसी बांग्लादेश. विश्वजीत चटर्जी, इन्हें सम्मानित किया गया एज अ पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड एट 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. तो 52nd भी हो चुका है, वो भी गोवा में ही हुआ है. विच स्टेट हैज लॉन्च ब्राह्मण सारथी स्कीम टू प्रोवाइड फ्री बस सर्विसेज टू वुमेन एंड सीनियर सिटीजन, ये आपने बताना है. तो ये योजना स्टार्ट की गई है आसाम सरकार द्वारा, आसाम. विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च ए पीरियड रूम इनिशिएटिव टू प्रमोट मेंस्ट्रुअल हाइजीन इन वुमेन. कौन सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया ये आपने बताना है. तो ये स्टार्ट किया गया है थाने द्वारा. वैनेडियम, विच इज हाई लेवल हाई वैल्यू मेटल यूज्ड इन स्ट्रेंथनिंग स्टील एंड टाइटेनियम, इसे अभी रिसेंटली इसकी खोज हुई है. कौन सी स्टेट में ये मिला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो ये मिला है हमें अरुणाचल प्रदेश में, याद रखें इंपॉर्टेंट. वी वेंकटरमू हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच पेमेंट बैंक. करेक्ट आंसर इज इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, याद रखें. Who has taken over as the new chief of Central Industrial Security Force? तो ये आपने बताना है. एंड अब एक चीज़ और मैं यहाँ आपको बता दूँ, अभी ये अपडेट भी हो चुके हैं, इनका न्यू नेम अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा. अभी रिसेंटली न्यू चीफ भी बन चुके हैं इसके ये सब की. अब जनवरी में ये बने थे, अब जनवरी के अकॉर्डिंग अब नहीं पूछेगा. तो ये अगर जनवरी के अकॉर्डिंग तक आंसर होता है इसका सुबोध कुमार जायसवाल. रुको मैं आपको बता ही देता हूँ, CISF के न्यू चेयरमैन अभी जो न्यू डायरेक्टर जनरल पर हैं उनका नाम आपको याद रखना है. CISF के जो न्यू अभी रिसेंटली जो बनाए गए हैं, वेट अ सेकंड, ओके, शील वर्धन सिंह अभी बनाए गए हैं न्यू CISF के डायरेक्टर जनरल. तो अपडेट रखना भी जरूरी है आपको खुद को. एंड अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सुबोध कुमार जायसवाल जो थे, जो जिनका कार्यकाल खत्म हो गया, अब हैं शील वर्धन सिंह, वो आप याद रखें. ओके, नेम द इंडियन ओरिजिन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ COP26. हो चुकी है, ग्लासगो में हुई थी, आलोक शर्मा इसके प्रेसिडेंट थे. एंड 27th जो एडिशन होगा वो इजिप्ट में होगा, ये आप याद रखें. स्कॉटलैंड ग्लासगो में ये हुई थी, 27th एडिशन जो होगा वो इजिप्ट में होगा. व्हाट इज द नेम ऑफ KVIC मैन्युफैक्चर्ड इको फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक पेंट जिसे लॉन्च किया गया नितिन गडकरी द्वारा. तो इसका नाम था खादी प्राकृतिक पेंट, एक काउडन से बना है. द यूनियन गवर्नमेंट हैज कंस्टिट्यूटेड ए एम्पावर्ड कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ COVID-19 वैक्सीन. अंडर किसके अंडर है ये आपने बताना है, जो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी है किसके अंडर ये एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी बनाई गई ये आपने बताना है. सो दिस इज RS शर्मा. Who is the author of the book The Population Myth, Islam, Family Planning and Politics in India? तो इस बुक के ऑथर इंपॉर्टेंट है ये बुक, SY Qureshi. ओके, which state has launched a Clean Bindu Sagar Initiative? Clean Bindu यानी कि ponds को साफ करने का, तालाबों को. तो उड़ीसा सरकार द्वारा initiative start किया गया था. What is the name of country's first indigenous machine pistol developed by DRDO? तो इसका नाम क्या है ये most important है, ये आपने याद रखना है. इस मशीन पिस्टल का नाम है ASMI, आसमी, याद रखें. ओके, आसमी मीन्स प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड हार्डवर्क. सदर जयपुरोव हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, ये आपने बताना है. किस कंट्री के प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए हैं, तो ये हुए हैं कजाकिस्तान. ओके, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 10 Lessons फॉर ए पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड, इस बुक के ऑथर कौन है ये आपने बताना है. सो ऑथर ऑफ दिस बुक इज फरीद सकारिया.
नेम द इंडियन हु हैज बीन ऑर्डर्ड अवार्डेड ऑर्डर ए नेशनल ड्यू मेरिट और नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ फ्रांस. तो इन्हें सम्मानित किया गया, आपको बताना है इनका क्या नाम है. सो इनका नाम है रोहिणी गोडबोले. यूनाइटेड किंगडम इज थिंकिंग ऑफ एक्सप्लोरिंग इट्स ऑन सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी. अपना डिजिटल करेंसी बनाने की सोच रहा है यूके. तो आपको बताना है कि इसका नाम क्या रखा जाएगा. वैसे सोच रहा है, अभी बना नहीं है. एंड बिटकॉइन. एंड क्या आप मुझे बता सकते हो ऑफिशियली एक्सेप्ट करने वाला लाइक क्रिप्टो करेंसी को फर्स्ट कंट्री कौन बना है? एल सेल्वाडोर. वो आप याद रखें. वरुणा नेवल एक्साइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस एंड विच कंट्री. तो कौन कौन सी कंट्रीज के बिटवीन होती है ये आपने बताना है. सो दिस इज इंडिया, फ्रांस एंड यूए, याद रखें. भूमिधर बर्मन पास्ड अवे. किस स्टेट के फॉर्मर सीएम थे ये आपने बताना है, जिनका निधन हो गया है. तो ये थे जी आसाम के. सो यहाँ हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं. एंड एक थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे फेस करनी पड़ी है ड्यू टू सम इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम. बैटरी काफ़ी ज़्यादा डाउन है, बट चलो कोई नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको लेक्चर जैसे मैंने आपको बताया था पार्ट करता हूँ. हम इंपॉर्टेंट डेज कवर कर लेते हैं जो सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी है. बाकी 50 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में कराया. आई एम सो सॉरी, मेरा पूरा प्लान यही था कि 100 क्वेश्चंस करवाने हैं. अब यू नो अभी इलेक्ट्रिसिटी का इतना इशू है राइट नाउ इन जम्मू. एंड राइट नाउ जहाँ पर मैं रह रहा हूँ अखनूर टू लाइक जम्मू, जो हाईवे बन रहा है 4 लेन का क्या काम चल रहा है, तो वो फिर आए दिन उखाड़े होते हैं उन्होंने खंभे. तो इस वजह से सुबह लाइट जाती है, शाम को आती है. एंड अभी इस टाइम बिल्कुल कोई आता पता नहीं है. बट चलो कोई नहीं, मैं इंपॉर्टेंट डेज आपके सेकंड हाफ ऑफ के करवा देता हूँ. फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस वो आपके मैं जल्दी ही करवा दूंगा. कोशिश करूंगा शाम को अपलोड कर दूँ. 49 स्टेटहुड डे त्रिपुरा मेघालय ऑब्जर्व किया जाता है जी. लाइक 49 स्टेटहुड डे इकट्ठे तीनों बनी थी 21 जनवरी को. नेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को. थीम भी आप याद रखें, रिकवर रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर कोविड-19 जनरेशन. उसके बाद नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को. नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है. नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, ये आप याद रखें. ओके, इंटरनेशनल कस्टम डे ऑब्जर्व किया जाता है 26 जनवरी को. वर्ल्ड नेगलेक्टिक ट्रॉपिकल डिजीज डे 30 जनवरी को. ये नेगलेक्टिक ट्रॉपिकल डिजीज डे कौन से होते हैं जी? ये होते हैं जी जैसे सांप ने काट दिया, तो एक इसे एज ए नेगलेक्टिक ट्रॉपिकल डिजीज डे कहा जाता है. ओके, देखो इंपॉर्टेंट डे की मैं बात कर रहा था, आपने कोशिश जरूर की होगी आई होप. 23 जनवरी को जिस दिन हमारे फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की लाइक उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है बर्थ एनिवर्सरी, तो उस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है. बेसिकली बर्थ एनिवर्सरी होती ही होती है. एंड इस पर डिसाइड किया गया था 2021 में इसे पराक्रम दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा. तो 23 दिसंबर का डेट आपने याद रखना है, पराक्रम दिवस. अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यह इंक्लूड नहीं है, पराक्रम दिवस. मैंने आपसे कहा था कि आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, पराक्रम दिवस वो आपने ज़रूर याद रखना है. बाकी देखो 50 क्वेश्चंस और रहेंगे, अभी स्टार्ट किया तो फिर बीच में अधूरा छूट जाएगा, वो मैं चाहता नहीं हूँ. पूरे आपके अराउंड 110 क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं जनवरी मंथ के, तो उससे आपका जनवरी मंथ अच्छे से कवर हो जाएगा. एंड एक चीज़ और मैं ज़रूर कहूँ कि आपको मैं रिकमेंड करूँगा एज ए फ्रेंड, एज ए टीचर, जो भी है, आप डेली करंट अफेयर्स वॉच कीजिए. आपको फिर इस तरीके से 100-100 करके कवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो टू बी वेरी क्लियर क्वेश्चन स्किप हो सकते हैं. ओके, ऐसा नहीं होता कि आप, वही मैंने आपको कई बार एग्जांपल बताया कि एक बारी सारा तालाब भरने की कोशिश करोगे तो फिर तालाब से बूंदें बाहर भी जाएंगी, पानी गिर भी जाएगा, यानी कि नॉलेज आपकी बाहर भी निकल जाएगी, आप इतना ज़्यादा रिटेन नहीं कर पाओगे. अगर डेली चीज़ें पढ़ी होंगी तो फिर आप ईजिली चीज़ों को रिटेन कर सकते हो, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है. बाकी आप एसए की तैयारी कर रहे हो या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेके पी एसए की, करंट अफेयर्स डेली वॉच करना शुरू कर दो, फिर आपको एंड में कोई दिक्कत नहीं आएगी. मंथली रिविजन करवाता हूँ मैं, वीकली रिविजन करवाता हूँ, तो उससे आपके अच्छे खासे से करंट अफेयर, आपका पहला टॉपिक करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अच्छे से कवर हो जाएगा. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में जल्दी, प्लीज़ टारगेट को अपने अचीव करवाना है. फिर आप कहते हो कि सर आप स्टार्ट करते हो फिर आप कंटिन्यू नहीं करते, को सर भी क्या करें, आप लोगों अगर सपोर्ट ही नहीं करोगे. आप आजकल के बच्चों को क्या है कि आपको जो आपको लगेगा कि हाँ ईजी है, जहाँ आपको ज़्यादा शोशा शोशा चल रहा है, तो वो वैसा मेरे से नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, वो एक्स्ट्रा चीज़ें, जो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता. बट ये स्पेशल टाइम मैं आपके लिए निकालता हूँ सो डेट कि आपको प्रॉपरली अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड किया जाए. बाकी आपको 5-5, 10-10 क्वेश्चन करवा के व्यूज़ के चक्कर में मेरा कोई भी मोटिव नहीं है.
आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज अगर नहीं करेंगे तो फिर वही होगा कि नहीं कंटिन्यू हो पाएगा। दिस इज वेरी क्लियर कट। तो 500 लाइक्स का टारगेट है, लाइक करें जरूर वीडियो को। एंड PDF कहाँ मिलेगा? आप बोलेंगे सर आपने PDF के बारे में बताया नहीं। देखो PDF आप हमारे ऐप को डाउनलोड करो, नेक्स्ट एग्जाम IQ। मैं आपको PDF एक अलग सेक्शन बनाऊंगा PDF का, जिसमें मैं अलग से लिख दूंगा ईयरली करंट अफेयर्स का। तो वहाँ आज ही मैं बना दूंगा करंट अफेयर्स, मैं आज ही इंक्लूड कर दूंगा जनवरी के। तो आप जाके कमेंट करिए आपको, मतलब आप वहाँ ऐप डाउनलोड करो नेक्स्ट एग्जाम IQ टेलीग्राम ग्रुप से क्या आप सर्च कीजिए नेक्स्ट एग्जाम IQ प्ले स्टोर से, आपको इजीली मिल जाएगी, वहाँ PDF मिल जाएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी दिक्कत, आप मुझे ऐप पे भी मैसेज कर सकते हो अगर आपको PDF नहीं मिलता है। अगर आप वहाँ तक पहुँच गए तो मैं समझ जाऊँगा कि आप PDF सर्च करने की कोशिश कर रहे हो। ऐप डाउनलोड करके नहीं मिलती है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून।